आ जाओ, मेला देखने आए हो, मौत का कुआं जरूर देख कर जाना। और मेले में आए, मौत का कुआं नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसी में चलेंगे पांच मारुति कार, पांच मोटरसाइकिल। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये खेल वही कर सकता है जिसके दिल में जज्बा होगा कि हाँ मैं करूँगा, कर सकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मैं इस मौत के कुएं में 27 साल से स्टैंड कर रहा हूँ। टिकट वाले जल्दी चलिए दोस्तों। मैं 15 साल का था जब मैंने ये मौत का कुआं चलता हुआ देखा था कहीं मेले में। तो हमारे दिल में ये चॉइस हुई थी कि हाँ मैं करूँगा इसको, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं करूँगा और मैं सीखूँगा। सीखते टाइम हमने बहुत चोटें खाई हैं, गिरे भी हैं, लेकिन 2 साल तक हमने उस्ताद के साथ ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद जब हम सीख गए तो सब सही हो गया, अब चला रहा है। ये हमारा जो मौत का कुआँ है 50 फीट ऊँचा, इंडिया का सबसे बड़ा मौत का कुआँ, इससे बड़ा कोई मौत का कुआँ नहीं। हाथ छोड़ना, सुरूर मारना, दुआ मांगना, पैर हैंडल पे रख देना, लेट जाना, बैठ जाना, खड़े हो जाना, ये सब बाइक पे है। कार के अंदर बाहर निकल जाओ, बोनेट पे बैठ जाओ, छत पे लेट जाओ, ये सब स्टैंड करते हैं। दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। लेकिन अलग जब मेले होते हैं टाइम पे किसी को देख नहीं पाते, नहीं पहुंच पाते, घर पे भी नहीं पहुंच पाते। अब इमरजेंसी मेले होते हैं तो घर वाले ने मना करा, मगर अब उनको भी आदत हो गई, अब ये काम करते हैं तो अब कोई कुछ नहीं बोलता। पहले शुरू में बोला अपनी तो जैसे भी है, अच्छा लगता है स्टंट करना, यही शौक था, स्टंटमैन बन गए। इस खेल की कोई लाइफ नहीं, पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं था करीबन 14-15 साल का था। अच्छे का लड़की मेरी 12 साल की, मना करती है। उसके दिन भर में कई फोन आए थे मेरे पास, वो मना करती पापा घर का आओगे तो दिल उखड़ता बहुत ज्यादा। जिंदगी और मौत की लड़ाई, आंधी और तूफानों की टक्कर। लोग समझते हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें खाली इसमें 1000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन क्या है हम लोग कभी घर में रुक के बैठ भी आते हैं, मगर ये जो है ताली हम लोग को बुझाती है। जब प्रोग्राम देखते हैं वो जिस ईमानदारी से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई कटौती नहीं करते, अपनी जान झोंकने में करके लोगों का दिल खुश करते हैं, तो लोग जेब में से पैसे निकाल कर हमें इनाम देते हैं, मजबूर हो जाते हैं इनाम देने के। स्टंटमैन की कोई लाइफ नहीं, गुमनामी का काम हो गया, क्यों रजिस्ट्रेशन कोई है नहीं, कुछ नहीं है। जो लोग एक्शन देते हैं उनके चेहरे नहीं होते। हमारी मोटरसाइकिल कार का पहिया चल रहा है, जब तक हम भी चलते रहेंगे। यही है कि बस उसी मौत के कुएं में घूमना है और लोगों का मनोरंजन करना है।